हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ रही है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एंड उत्तर प्रदेश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। न्यू रिक्रूटमेंट है जिसमें आपका यूपीएसआई एएसआई क्लर्क अकाउंटेंट के पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, ऑल इंडिया का कोई मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। इसकी पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या, जब आप इसका फॉर्म भर देंगे इस किस आपको सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो यूपीएसआई एंड एएसआई रिक्रूटमेंट 2023 मेल एंड फीमेल की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती 2020, ठीक है। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी अप्लाई करने की डेट क्या है, यानी कि इसके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे, कितनी पोस्ट इसमें निकली हुई है, एज क्या मांगी गई है, फीस क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी, योग्यता क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, यानी कि किन किन स्टेज से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या मांगा गया है, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब प्रोफाइल यानी कि काम क्या करना पड़ेगा और काम कहाँ पर करना पड़ेगा और किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स की पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकली है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक गोपनीय, ठीक है, यानी कॉन्फिडेंशियल, पुलिस सहायक उप निरीक्षक ईएसआई लिपिक यानी कि क्लर्क, पुलिस सहायक उप निरीक्षक ईएसआई अकाउंटेंट के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है, ये भर्ती निकली हुई है। चलिए तो यहाँ से हम इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है दोस्तों, कि जब आप इसका फॉर्म भर देंगे तो आपको किस किस स्टेज से होगा यहाँ पर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आपका आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आप इसका फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद आपका एक रिटर्न एग्जाम लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, जो कि आपकी ऑनलाइन होगी। ध्यान रखना, ये जो आपका पेपर होगा एक ऑनलाइन होगा, काफ़ी इजी पेपर आता है दोस्तों, ठीक है। लास्ट ईयर इसका एग्जाम हुआ तो हम आगे आने वाली वीडियोज में इसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे। इसके बाद जब आप पेपर पास कर लेंगे तो उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल होगा। इसके बाद जब आप इसे पास कर लेंगे तो फिर आपको टाइपिंग के लिए स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इन इन स्टेजेस से होकर आपको यहाँ पर गुजरना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए कि अप्लाई करने की डेट क्या रखी गई है। दोस्तों इसकी जो अप्लाई करने की डेट रखी गई है, इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे दोस्तों वो आपके 7 जनवरी से इसके भरना स्टार्ट होंगे, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2024 रखी गई है, और 30 जनवरी तक आप इसकी फीस जो है सबमिट कर सकते हैं। तो ये था इसका क्या पूरा, इसका मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से इसकी फीस वगैरह मांगी गई है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों अप्लाई करने की डेट बता दी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इस बार इन्होंने अपडेट की है, वो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, तो देखिए यहाँ से देखिए कि जब आप इसका फॉर्म भरने आएंगे तो जो आप इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो उन डॉक्यूमेंट को आपको सबसे पहले डिजी लॉकर में लेना है, उसके माध्यम से उन्हें अपलोड करना है। कोई भी आपकी मार्कशीट हो, 10th की, 12th की, कास्ट सर्टिफिकेट, कोई भी ETC डॉक्यूमेंट हो, डिजी लॉकर जो ऐप आता है उसके माध्यम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो उसे डाउनलोड करके आप उसके माध्यम से इसमें फॉर्म अप्लाई करिएगा। चलिए नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं दोस्तों कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर निकली हुई, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल 921 पोस्ट निकली हुई है। अगर इसमें भी हम इलेबोरेट करें कि कितनी कितनी पोस्ट हैं, तो UPSI कॉन्फिडेंशियल के लिए टोटल 268 पद निकले हुए हैं, UPSI क्लर्क के लिए 449 पदों पर भर्ती निकली है, और UPASI अकाउंटेंट के लिए 204 पदों पर भर्ती निकली हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं किस तरीके से 268 449 204, टोटल 921 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। अगर हम इसमें कैटेगरी वाइज देखें, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट निकली, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए कोई भी कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर किस कौन सी पोस्ट है, ये UPSI गोपनीय, ठीक है, UPSI गोपनीय के लिए पद है। इसमें UR जनरल के लिए कितनी है, 114 पोस्ट, EWS के लिए 25 पोस्ट हैं, OBC के लिए 71 पोस्ट हैं, SC के लिए 54 पोस्ट हैं, और ST के लिए 4 पोस्ट हैं। इस तरीके से कुल 268 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है। चलिए इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही इंक्लूडेड है। अगला देख लेते हैं, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए कितनी निकली, तो देखिए UR के लिए कितनी निकली, 186 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए AWS के लिए 43, OBC के लिए 120, SC के लिए 93 और ST के लिए 7 पोस्ट निकली, टोटल 449 पोस्ट पर भर्ती निकली हुई। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पुलिस ASI इसके लिए अकाउंटेंट के लिए कितने निकले, तो जनरल के लिए 88, EWS के लिए 90, OBC के लिए 53, SC के लिए 42 और ST के लिए 2 पोस्ट निकली, कुल 204 पदों पर ये भर्ती निकली हुई, ठीक है। चलिए एज देख लेते हैं दोस्तों, एज कब से कब तक मानी गई, कब से कब तक कैलकुलेशन होगी, क्या यहाँ पर छूट प्रदान की गई, वो सारा कुछ हम यहाँ पर आपको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आयु की बात करें तो भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो, अर्थात आपकी जो एज है वो 21 से 28 साल मांगी है, 21 मिनिमम और 28 मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए। अर्थात उनका जो जन्म दिनांक है वो कब से कब तक होना चाहिए, तो 1/7/1995 से लेकर 1/7/2002 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। कहीं अगर आप OBC से SC से ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन
मिल जाएगा, 5 साल की आपको छूट यहाँ पर मिलती है। फीस की बात कर लें तो सभी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस यहाँ पर मात्र रखी गई है, ठीक है। चलिए एलिजिबिलिटी योग्यता देख लेते हैं कि जब आप इसका फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए, कौन कौन से डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। देखिए UPSI कॉन्फिडेंशियल का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो कोई भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की हो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको टाइपिंग प्लस स्टेनो आना आवश्यक है, ठीक है। इसका बाद में टेस्ट होगा, अगर नहीं आती है तो बाद में आप सीख सकते हैं, आप इसका फॉर्म अभी भर दीजिए, ठीक है। UPSI का ASI का फॉर्म भरते हैं जिसमें क्लर्क की पोस्ट है, उसमें कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ छात्र इसका फॉर्म भर सकता है, और उसको टाइपिंग भी आना चाहिए, यानी कि टाइपिंग आप बाद में भी सीख सकते हैं, फॉर्म अभी भर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी UPSI अकाउंटेंट का फॉर्म भरना चाहता है तो उसके पास BCOM या कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, प्लस उसको टाइपिंग भी यहाँ पर आना चाहिए। तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी और योग्यता, अभी डिटेल में बात करेंगे कितनी टाइपिंग मांगी है, कैसे आपको कर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पूरा पुलिस सहाय पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, यानी कि पुलिस SI कॉन्फिडेंशियल पद के लिए क्या क्या योग्यता है। तो सबसे पहले मैंने बताया ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम आपको कितना 25 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, की गति से हिंदी टंकण आना चाहिए, और जो आपका कीबोर्ड रहेगा वो इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड रहेगा, और यूनिक कोड आपका जो है फॉन्ट रहेगा, तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में कितनी आनी चाहिए भाई, इंग्लिश में आपकी 30 आनी चाहिए, और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है, ये आपकी स्पीड जो है होनी चाहिए, और दोनों का यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, तथा दोनों तथा लगा हुआ है, यानी कि दोनों टाइपिंग होगी, ये भी होगी और ये भी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि आनी चाहिए, यानी कि स्टैनो 80 शब्द प्रति मिनट वर्णन हिंदी की तरफ से, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के द्वारा सफल होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है तो वो होना चाहिए, यानी कि भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम है NILET, है ना, सोसाइटी, पूर्व में डॉक सोसाइटी था, से कंप्यूटर में O-लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थ धारित करना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई ना कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिला के इतनी सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए अगर बात कर लेते हैं कि जो ASI क्लर्क है उसके लिए क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरी बात, आपको 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी की स्पीड, वही इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड यूनिकोड में, और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और वही आपको कंप्यूटर का डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। वहीं बात कर ले कि अगर आप ASI अकाउंटेंट के लिए फॉर्म भरते हैं तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए किसमें, वाणिज्य में, यानी कि कॉमर्स में आपके पास होना चाहिए ना, BCOM वगैरह होना चाहिए लेखा शास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। और आपको कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण आना चाहिए, वही इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड यूनिकोड में, और वही आपके पास कंप्यूटर का भी एक डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये कुछ इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी योग्यता मांगी गई है, तो ये अगर आपके पास है तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। इसकी बात कर लें कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है एग्जाम की, कब इसका एग्जाम हो सकता है, तो उसमें इसकी एक्सपेक्टेड डेट होगी आपके जो चुनाव होने वाले हैं, तो आपकी जो पूरा जो वैकेंसी है, जो भर्ती प्रोसेस है, वो बहुत फास्ट चलने वाला है, तो इसकी जो एग्जाम डेट हो सकती है वो मार्च एंड अप्रैल में इसकी एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है। अब इसके बाद आपका क्या होगा दोस्तों, जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद जब आप एग्जाम निकाल लेंगे तो उसके बाद आपका एक टाइपिंग, इसके बाद PST होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षा। इसमें क्या होगा, आपको शारीरिक स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है, और इसमें जो चिकित्सा बोर्ड यानी मेडिकल होगा उसमें आपका नौकनी होगा, बोलेक्स होगा, फ्लैट फुट होगा, वेरिकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, पार्शियल एवं टोटल, प्रबल परीक्षण जैसी कमियों इत्यादि का भी परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल में आपके ये सारे टेस्ट होंगे और आपको किसी भी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, ये नॉर्मल लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं कि जब आप इसका फॉर्म भर देंगे तो रनिंग वगैरह, दौड़ वगैरह, हाइट चेस्ट, तो देखिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक न्यूनतम है, हाइट कितनी मांगी गई है, तो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होती है, 163 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 156 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तो बहुत ही कम हाइट मांगी है, तो कोई भी कैंडिडेट इसका लगभग फॉर्म भर ही सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि सीना कितना मांगा गया, तो सीना देखिए 77 सेंटीमीटर से लेकर 82, ठीक है। और वहीं अगर आप ST से बिलोंग करते हैं, ST से, तो आपका 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, ठीक है, तो ये आपका सीना। वहीं अगर महिला अभ्यर्थियों की बात कर ले तो इसमें हाइट वगैरह कितना क्या मांगा गया, तो देखिए ऊंचाई की बात कर ले तो जनरल, OBC और ST के लिए 150 सेंटीमीटर और ST कैंडिडेट के लिए कितना 145 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। और आपका वजन मांगा जाता है, चेस्ट नहीं मांगते, वजन में आपको कितना होना चाहिए, न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए या उसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा कब होगी। तो देखिए जब आप इसका पेपर दे लेंगे, ठीक है, और जब आप इसका देखिए यहाँ पर पूरा लिखा है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, आपका फॉर्म भरा जाएगा सबसे पहले, देन आपका पेपर होगा, ठीक है, पेपर के बाद आपका DV या PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देन आपका क्या होगा,
यहाँ पर टाइपिंग वगैरह होगी, क्या होगी, टाइपिंग वगैरह होगी, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस चलेगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, ये चलेगा। तो जब आप ये स्टेज पार कर लेंगे, ये स्टेज, तब आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग की यहाँ पर लिखा है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अहरकारी प्रकृति की कंप्यूटर टेम्पर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, ठीक है। तो ये इसका पूरा मतलब है। चलिए अब देख लेते हैं जो आपका ऑनलाइन पेपर होगा वो किस तरीके से होगा, कितना क्या उसमें पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों का आपका पेपर होगा कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे, यानी कि 200 प्रश्न होंगे इंटू टू, दो मार्क्स का ही होगा, तो 400 मार्क्स आपके टोटल हो जाएंगे। और इसमें जो टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, तो सामान्य हिंदी या कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा, इसमें 100 अंक रहेंगे। इसके बाद सामान्य जानकारी यानी कि जीए हो गया, सामयिक विषय हो गए, करंट अफेयर हो गया, वो 100 नंबर का। इसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि आपका मैथ्स पूछा जाएगा, जो कि आपका 100 अंक का रहेगा। उसके बाद आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, जो कि आपकी 100 अंक की रहने वाली है, ठीक है। यानी कि इसके 50 क्वेश्चन, इसके 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, इसके टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 400 आपके मार्क्स यहाँ पर रहने वाले। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न ये। बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग के लिखित परीक्षा, यानी कि जो आपकी चारों पोस्ट है उसके लिए सेम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। चारों पोस्ट, जो तीन पोस्ट है, थ्री पोस्ट के लिए आपका सेम सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसका, एग्जाम पैटर्न में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा सिलेबस के अंदर। तो इसका देखिए, ये पूरा नोटिफिकेशन है और ये इसका पूरा सिलेबस है, डिटेल सिलेबस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आप देखिए यहाँ से सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान में क्या क्या पूछा, सामान्य हिंदी का पूरा डिटेल सिलेबस रखा है, ब्लू मारती अधिकार, इसका कंप्यूटर ज्ञान का बेसिक, कंप्यूटर नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ एंड हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, एल्गोरिथम वगैरह, ये पूरा इसका जो है सिलेबस दे रखा है। तो इसकी जो दोस्तों में पीडीएफ है वो कहाँ मिल जाएगी आपको, दोस्तों नोटिफिकेशन की पीडीएफ और जो आपका सिलेबस है उसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ से मिल जाएगी आपको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम है ना ये वाला, ठीक है, जिसका नाम ऊपर दिख रहा होगा आपको, द एग्जाम, यहाँ पर मैं आपको इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए 15,441 कैंडिडेट जुड़े हुए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में, या वो काम ना करे तो डायरेक्ट जाकर सर्च मार देना, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर इसका मैंने सिलेबस वगैरह और इसका जो नोटिफिकेशन वो डाल दिया है। और दोस्तों आपको मेरे द्वारा, देखिए आपको जो मेरे द्वारा है हिंदी की ना, हिंदी ठीके और कंप्यूटर की तैयारी कराई जाएगी, तो आप उसके लिए मेरा जो सेकंड चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, द एग्जाम हेल्पर जीके के नाम से, यहाँ पर मैं कंप्यूटर्स के पीडीएफ वगैरह, फ्री जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह होता है वो डालते रहता हूँ, इसका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन है, तो वहाँ से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अब ज़्यादा समय आपके पास मिलेगा नहीं, 2-3 महीने हैं, तो आप कहाँ से इसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना चाहिए, क्योंकि इसका आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो इसके लिए आप टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट ले सकते हैं, इसमें आपको यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉन्स्टेबल के, ASI के, असिस्टेंट हेड ऑपरेटर के, वर्कशॉप के, ASI के हो गए, ठीक है, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम चल रहे हैं वो आपको सारे इसके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि केवल आपको यूपी के जितने भी एग्जाम वो मिलेंगे, जितने भी ऑल इंडिया में जो पेपर होना है वो मिलेंगे, UPSI के कितने मिलेंगे आपको, 567 मॉक, SSC हो गया, टीचिंग एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम, स्टेट एग्जाम, डिफेंस, सिविल, पुलिस, बीएड, नॉन टीचिंग, जितने भी एग्जाम है सारा आपको एक पास के अंतर्गत मिल जाता है। इसमें आपको पास प्रो मिलता है और सिंपल पास मिलता है, इसमें मंथली मिलता है और ईयरली। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ईयरली ले लें, इससे आपको कि आपके लगातार एग्जाम होते रहते हैं। इसमें आपको 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 70,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको पूरा प्रीवियस ईयर का पैटर्न पता चल जाएगा, किस तरीके ऑनलाइन किस तरीके सारा कुछ डिटेल में आपको मालूम पड़ जाएगा। इस पर लास्ट ऑफर चल रहा है, तो जल्दी से जाइए इसको अवेल कर लीजिए, ठीक है। क्रिसमस का ऑफर चल रहा है 25-28 दिसंबर, इसमें आपको 700 रुपये का पास मात्र 349 मिल जाएगा। उसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड है, जिसका नाम है B1NW47, ये डाल देंगे तो दोस्तों जल्दी से जाइए, ये कूपन कोड डाल देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जब आप परचेस करेंगे तो वहाँ पर अप्लाई कूपन कोड आएगा, तो वहाँ पर ऐसे डाल देंगे तो आपको 40-50 रुपये और इस पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीचे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो दोस्तों हम मेडिकल देख लेते हैं, तो मेडिकल तो मैंने बताई दिया कि सिंपल आपका मेडिकल होता है, और जिसमें आपका जो मेन चेक होता है वो आपका नॉकनी होता है, यानी कि घुटने नहीं मिलने चाहिए, वो लेग्स होगा, फ्लैट फुट आपका चेक किया जाता है, वेरिकोन्स वेंस होनी चाहिए, दूर एवं निकट दृष्टि, जो कलेंट ब्लाइंडनेस वगैरह आपको नहीं होना चाहिए, और कान का टेस्ट भी आपका ठीक होना चाहिए। ये नॉर्मल आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है, ये मेडिकल में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आती है। चलिए सैलरी देख लेते हैं, आपको सैलरी कितना मिलने वाली है दोस्तों, जब आप इसका सिलेक्शन हो जाएगा, सैलरी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, तो कितनी सैलरी आपको यहाँ मिलेगी। तो अगर बात करें कि SI के लिए आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो दोस्तों ये लेवल 6 की जॉब है, कितनी लेवल 6 की जॉब है, तो इसमें जो आपका बेसिक पे रहेगा वो 35,400 रहेगा, ठीक है, ये बेसिक पे है। जब आप इन हैंड सैलरी देखेंगे, इसकी इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी वो अराउंड
इसकी आपको जो सैलरी है वो 80K से 60K, यानी कि 58,000 से 60,000 के बीच आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। वहीं अगर ASI की बात करें तो ये लेवल 5 की जॉब है 29,200, और मैं भी एज अ सीनियर क्लर्क हूँ इन लेवल 5 में, तो मुझे जो इन हैंड सैलरी मिलती है लगभग लगभग आपको भी वही मिलेगी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट का जो लगभग है ये 2-3% का फर्क रहता है वहाँ पर सेम, तो आपको जो इसकी सैलरी मिलेगी जो इन हैंड मैं बता रहा हूँ ऑल ओवर वैसे ज़्यादा मिलेगी, बट अगर मोटा मोटा देखें तो आपको जो सैलरी 50K के अराउंड मिलेगी, और इन हैंड अगर काट पीट के देखेंगे तो 45 से 46 हज़ार आपको पर देखने को मिलने वाली है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि ये भी लेवल 5 का है, तो इसमें भी आपको सेम ही आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, तो जल्दी से आइए इसका फॉर्म भर दिए, तैयारी में लग जाइए। और मैंने आपको बता दिया कि मेरे द्वारा आपको हिंदी की, GK की और कंप्यूटर की तो सबसे बेहतरीन तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, और इसके लिए आपको क्लासेस कहाँ मिलेंगी, तो जो मेरा सेकंड चैनल है जिसका नाम है यूट्यूब चैनल द एग्जाम हेल्पर GK, ठीक है, द एग्जाम हेल्पर GK पे वहाँ पर मिलेंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आप प्रोफाइल या लोकेशन की बात कर ले कि आपका काम क्या करना पड़ेगा और कहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो देखिए ये जो आपकी जितनी भी पोस्ट है, ESI हो गया, कॉन्फिडेंशियल हो गया है ना, कॉन्फिडेंशियल वाला हो गया, ESI हो गया, लिपिक हो गया, ठीक है, लिपिक हो गया, अकाउंटेंट हो गया, तो ये सारी आपकी ऑफिस डेस्क जॉब है। कौन सी डेस्क? ऑफिस डेस्क जॉब, यानी कि आपको ऑफिस में बैठकर इसमें काम करना है, ठीक है, कंप्यूटर पर आपको वर्क करना है, टाइपिंग वगैरह रहेगा, ऑफिशियल वर्क रहेगा, आपको फील्ड जॉब नहीं है, ठीक है, फील्ड जॉब बहुत ही कम होगी, आपको पूरा जो काम रहेगा वो ऑफिशियल काम रहने वाला है, ठीक है, तो काफ़ी शानदार अपने आप में जॉब हो जाती है जहाँ पर आपको भाग दौड़ नहीं करनी है, केवल ऑफिस में बैठकर। जॉब की लोकेशन जो रहेगी वो ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में रहेगी क्योंकि यूपी की वैकेंसी, तो यूपी में ही आपको जॉब यहाँ पर मिलने वाली है। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है दोस्तों, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए प्रिपरेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि बेस्ट बुक्स, बेस्ट टीचर कौन से, ठीक है, इसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी जो रणनीति है वो बना सकते हैं, वो अलग से। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी मेरे द्वारा, एंड फ्री स्टडी मटेरियल मैंने बताया था टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा द एग्जाम पर GK के, तो उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और मेरा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है द एग्जाम पर, उसे जरूर आपको वीडियोज़ के लिए, ठीक है, और ये मेरा मेन चैनल है द एग्जाम पर, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट देता हूँ, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल का बटन दबा दिए किसी भी तरह की अपडेट्स, और ये सेकंड चैनल है जहाँ पर मैं GK GS की तैयारी कराता हूँ, आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अच्छा लगा हो तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।